फ्रेंड्स, वेलकम टू वीक टीम ग्रेटर नोएडा सेशन बेस्ड ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसके क्या रीज़न है और इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो मेनली ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप लोगों को वर्ड से ही लग रहा होगा, ग्लोब मीन्स होता है अर्थ, हमारी अर्थ हो गई, और वार्मिंग मीन्स अर्थ का वार्म होना, गर्म हो जाना या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसे जो मेनली हम लोगों का अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो 14 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये 14 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न क्या हो सकते हैं, मीन्स इसके बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, तो वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जब वो अर्थ में सन से इंफ्रा वेव्स आती हैं तो उनको कुछ चीज़ें, मतलब यहाँ अर्थ पे आके वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो होती हैं मीन्स उनको क्या करती हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस तरह से वो अर्थ का टेम्परेचर, एटमोसफेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं। तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सबको भी सेम ही मान सकते हैं, इक्वल ही मान सकते हैं, बिकॉज इसका जो रीज़न होता है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग, और रीज़न जो होते हैं इनके मेन, वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CH4 है और वाटर वेपर है, वाटर वेपर जो होता है वो 36% होता है, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर ही होता है। फिर CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मेनली हम लोग जब ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से, तो हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं और भी चीज़ें, तो इन सबको इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये गैसेस कंट्रोल हो गई तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, इस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं।